बौद्ध तीर्थस्थलों में कुशीनगर का महत्वपूर्ण स्थान है। आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन महात्मा बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण किया था। इस जगह को उस समय कुशीनारा के नाम से जाना जाता था। महात्मा बुद्ध ने जहां महापरिनिर्वाण किया था वहां एक निर्वाण मंदिर है। यहां पर बुद्ध की 6.10 मीटर लंबी लेटी हुई प्रतिमा स्थापित है। गुप्तकालीन यह प्रतिमा 5वीं शताब्दी की है। चुनार के सैंडस्टोन से बनी यह मूर्ति 1876 में हुई खुदाई में मिली थी। सन 1956 में इस मूर्ति को इस मंदिर में प्रतिस्थापित किया गया। निर्वाण मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर है रामाभार टीला। रामाभार टीले के नाम से प्रसिद्ध इसी स्तूप में महानिर्वाण के बाद महात्मा बुद्ध का दाह संस्कार किया गया था। लगभग 50 फीट ऊंचे इस स्तूप का पता भी 1876 की खुदाई में मिला था। बौद्ध ग्रंथों में इसे मुकुट बंधन विहार भी कहा गया है। इस स्तूप के बारे में कहा जाता है कि इसे बनाने के लिए स्वयं महात्मा बुद्ध ने भिक्षुक आनंद से कहा था, थूप बनाना। थूप प्राथमिक शब्द है, थूप स्तूप का प्रथम रूप है, थूप बनाना ताकि कोई आएगा तो ये तथागत का थूप है, यह जब जानेगा तो उसके मन की सारी जो स्थित है, जो बुरी स्थित है, वो ठीक हो करके वो सदमार्ग को चलेगा। फाजिल नगर के इसी टीले पर महात्मा बुद्ध के शिष्य चुंद का निवास बताया जाता है। यहाँ महात्मा बुद्ध ने अंतिम आहार लिया था और उन्हें अतिसार हो गया था। इसके बाद ही उन्होंने महापरिनिर्वाण किया। कुशीनगर में पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, उन्हें आकर्षित करने के लिए प्रशासन भी लगातार प्रयत्नशील है। बुद्धिस्ट सर्किट के अंतर्गत कुशीनगर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पूर्व से ही एयरस्ट्रिप बन चुकी है और यहाँ की सड़कों का विकास, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल योजना, ये पथिक निवास जिसमें हम बैठे हैं, अन्य टूरिज्म होटल्स भी आ रहे हैं, एक लोटस निको होटल प्राइवेट सेक्टर में आ चुका है। बौद्ध तीर्थस्थल के रूप में तो प्रचलित है ही, इसे ऐतिहासिक पर्यटक स्थल के रूप में भी विकसित किया जा सकता है। इसकी यहाँ पूरी गुंजाइश है।